हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कम कंपटीशन वाली जो वैकेंसी जारी की गई है राजस्थान में। नई भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है, आफरी वैकेंसी 2023। आफरी की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जोधपुर में है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी दी गई है। सैलरी यहाँ 7th CPC के अकॉर्डिंग दी जाएगी, CET जो है यहाँ नहीं चाहिए। तो विज्ञापन जो जारी हुआ है मेन वेबसाइट पर, उसमें हम देखेंगे उम्र क्या रहने वाली है, वेतन जो अलग अलग पोस्ट के लिए क्या दिया गया है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो चलिए मेन वेबसाइट पर विजिट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में टाइटल जो है 1, 2, 3, ये तीनों ही इसी से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो न्यू आप लोगों को ब्लिंक जो नजर आ रहे हैं, इसे ही जो है आप लोग ओपन करके देखेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 6 नंबर पर है डिटेल एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले इसे ओपन करके देखेंगे, बाकी चीजें बाद में देखने वाले हैं। तो ये जो है पूरा एडवर्टीजमेंट है कंप्लीट, जहाँ से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएट पास स्टूडेंट जो हैं अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब मेंटेनेंस, इन तीनों की अलग अलग है। नेक्स्ट जो पोस्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है, फॉरेस्ट गार्ड की है। उसके बाद LDC के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पास की है, कंप्यूटर की टाइपिंग जिनको आती है, वो बिल्कुल वेट कर रहे होते हैं कि ऐसी सरकारी नौकरी जो कि रेगुलर परमानेंट रहे। तो ऐसी नौकरी का अगर विज्ञापन जारी होता है तो बिल्कुल हमें पता लगे। तो यहाँ LDC की जो वैकेंसी आई हुई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जहाँ पर 10th पास स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर सैलरी मिलती है, आप सभी जानते हैं 7 CPC के अकॉर्डिंग जो है यहाँ जो भी पोस्ट है सभी को सैलरी मिलेगी। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब या मेंटेनेंस, जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे 29,200 से 92,300 तक मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो संख्या कम है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम जो है वो देखने को मिलता है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए सैलरी आप देख सकते हैं 35,400 से 1,12,400 तक। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 90,900 जो है वो बेसिक पे रहेगी। उसका LDC के लिए भी सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलेगी, 90,900 से 63,200 तक। MTS के लिए 18,000 से 56,900 तक सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो MTS के लिए जिन्होंने 10th पास कर ली है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास सर्टिफिकेट चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी, कंप्यूटर पर होनी चाहिए। उसके बाद जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या चाहिए, तो साइंस स्ट्रीम में जो है 12th पास की हो आपने, और यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट होती है तो फिजिकल जो टेस्ट है वो होता है। मैन के लिए आप देखें वॉक 25 किलोमीटर इन, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 25 किलोमीटर तक जो है चलना होगा, 4 घंटे समय है, हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर है। वोमेन को जो है वो 14 किलोमीटर रहेगा 4 घंटे में, हाइट जो आप देखें 150 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो है अगर यहाँ पर जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं तो BSc विद फॉरेस्ट्री अगर आपने किया है और एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में किया है तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कर पाएंगे, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। या फिर 3 साल का आपके पास जो है डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग आपने किया है तो भी आप जो है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आप लोगों के पास लाइब्रेरी साइंस बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो है एज लिमिट देखें आप, यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम 30 ईयर रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड एंड लैब और मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद LIA यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर अधिकतम उम्र 27 है, मिनिमम 18 है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 है मिनिमम और 27 साल है, ठीक है। तो सभी के लिए फॉरेस्ट गार्ड, लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 18 साल मिनिमम है, 27 साल जो है यहाँ पर अधिकतम उम्र रखी गई है। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर
किसी भी राज्य के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ कंपटीशन ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, आप लोग यहाँ फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को अलग अलग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस है आपको देनी होगी। SC ST और वुमेन की अगर बात करें यहाँ पर, तो केवल जो है प्रोसेसिंग फीस 200 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, और अदर जो कैटेगरी है वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो 200 रुपये ही लगेगी। ठीक है, और जनरल और OBC कैटेगरी की अगर आप हैं तो यहाँ पर 400 रुपये जो है एप्लीकेशन फीस और 200 रुपये प्रोसेसिंग फीस रहेगी, यानी 600 रुपये आपके यहाँ लगेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल। ठीक है, वापस नहीं होंगे। तो बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के ही जो है फॉर्म भरना है, क्योंकि फीस वापस नहीं होगी। इंटरव्यू जो है वो नहीं रहेगा, रिटन एग्जाम होगा। तो प्रोसेस जो है क्या रहेगी, क्या पूछा जाएगा, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। पैटर्न ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का जो है आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरेंस रीजनिंग 20 मार्क्स की होगी, 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश एंड जनरल साइंस 20 होंगे, अर्थमेटिक 20 होंगे। इसके बाद जो है आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा उसके 40 क्वेश्चन होंगे। कुल जो है वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी जो है वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी यही रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए अगर देखें कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरेंस के 30 होंगे, मैथ्स रीजनिंग 30 होंगे, इंग्लिश के 30 होंगे, साइंस के जो कि 12th लेवल से ही पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो में से, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हर पार्ट में से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे जनरल इंटेलिजेंस है, बेसिक नॉलेज इंग्लिश की पूछी जाएगी, मैथ्स पूछा जाएगा बेसिक, जनरल अवेयरेंस, कुल 100 क्वेश्चन ही रहेंगे 100 मार्क्स। नेक्स्ट जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही जो है आप कह सकते हैं बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी इंग्लिश मैथ्स की। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा जो है सिलेबस क्या है, तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ। सिलेबस के लिए जो है ये यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं सिलेबस फॉर द वैकेंसी ऑफ वेरियस पोस्ट एट ICFRE आफरी जोधपुर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है सिलेबस नजर आएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी मेन वेबसाइट का, जिससे कि आप लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर आ सकेंगे और सिलेबस चेक कर सकते हैं। ये जो ऊपर के तीन जो आप लोगों को ब्लिंक न्यू आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे भी ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या आया है इसमें। यहाँ पर क्या लिखा है, 19 अक्टूबर 2023 ये डेट डली हुई है, और यहाँ पर लिखा है ये विज्ञप्ति जो है वो पहले जारी हुई थी, जारी की गई थी, उसके बाद जो है, परंतु निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में नवंबर 2023 में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से आचार संहिता लागू कर दी गई, इसलिए संस्थान द्वारा निर्वाचन आयोग से उक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के संबंध में सूचना मांगी गई है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संभावित दिनांक पुनः है, तो दोबारा से जो है आवेदन करने की डेट जारी होगी। पहले जारी हुई थी बट बीच में रोक दी गई, तो अभी जो है दोबारा से जारी होगी। आवेदन आमंत्रित करने की दिनांक से 15 दिन तक जो है आवेदन जो है आप कर सकते हैं। तो मेन वेबसाइट पर आप लोगों को देखते रहना है, बाकी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता ही दूंगी। ठीक है, तो अभी जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर दी गई है। यहाँ पर एक और जो है सूचना जारी की गई है कि संस्थान द्वारा विज्ञप्ति किए गए विभिन्न पदों की भर्ती हेतु आवेदन करने की इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से संबंधित समस्त जानकारी mail ID नीचे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, हेल्प डेस्क mail ID दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अभ्यर्थी चाहे तो निम्नलिखित दिए गए मोबाइल नंबर पर 10 बजे से 6 बजे तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृपया नोट करें, संस्थान के दूरभाष या अन्य टेलीफोन नंबर के माध्यम से उपरोक्त सूचना अवगत नहीं कराई जाएंगी। तो अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है ये mail ID दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, 10 बजे से 6 बजे तक जो है बिल्कुल आप लोग पता कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जो है मैंने आप लोगों को दे दी है, जो भी इंटरेस्टेड हैं वॉच करते रहें, इसका लिंक
लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। काफी अच्छी वैकेंसी रहेगी, परमानेंट रेगुलर पोस्ट रहेगी, सरकारी नौकरी रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।